उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब जीत काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आपको मैं बहुत पते की बात बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। ये औरत आपको नहीं बताएगी, क्योंकि ये आतंकवादी सोच की औरत है। इसने खुद 8 साल जेल में निकाला है, बेशक इसके ऊपर आतंकवाद का मामला चला, बम ब्लास्ट में इसका नाम आया था, मालेगांव बम ब्लास्ट में। तो इतना बड़ा ये अफसोस का बात है कि ऐसे लोग हमारे देश के लोगों को, बताइए, ज्ञान दे रहे हैं नेता बन के, जो खुद क्रिमिनल है, जिसके ऊपर खुद चार्जेस लगे हुए हैं, बताइए। तो मोदी है तो मुमकिन है, बेशक मेरा ये वीडियो देखना चाहिए, आप चाहे किसी भी धर्म की हो, बहन बेटी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी भी बहन बेटियां हैं, आपका मैं छोटा भाई समझो, चाहे अपना बेटा समझ लो, लेकिन ये वीडियो देखना, आपसे मेरा रिश्ता है, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ और आपका बेटे जैसा हूँ मैं, तो ये वीडियो जरूर देखना आप लोग। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब जीत काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आप लोगों ने आतंकवादी का वीडियो देखा, जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसी औरत को आतंकवादी बोलूंगा। ये ऐसे लोग जो अपने आप को नेता भले ही समझ ले या नेता बन जाए, लेकिन जो इनका असली रूप है वो नहीं बदल पाएगा। इसका असली रूप ये है कि इसने 10 साल जेल में निकाला, 8 या 10 साल निकाला, ठीक है। हमारे हेमंत करकरे जी जो 26/11 में शहीद हुए थे, आपको याद होगा 26/11, जिसमें हमारे हेमंत करकरे जी शहीद हुए थे, उनके बारे में इसने अपमानजनक बात करी थी और इसने कहा था कि वो इसके श्राप से मरे हैं। तो ये कितनी गलत बात है, आप सोचिए, जब ये हमारे देशभक्तों के नहीं हो सकते और ऐसे लोग नेता बन जाते हैं। बेशक आजकल हमारे देश में बलात्कारियों का सम्मान होता है, उनका स्वागत किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है, ये अपने आप में बड़ी दुख की बात है। हमारा भारत कहाँ जा रहा है? हमारा भारत विश्वगुरु तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, हमारा भारत बहुत पीछे जा रहा है दोस्तों। हमें हर दिन इस तरह की चीजें देखने मिलती है भारत में। सोचिए, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा मजाक बनाया जाता है ये कहते हुए कि ये कैसा देश है। मुझे अपने भारत से प्यार है, चाहे कितने भी बेईमान बढ़ जाए, मुझे मेरे वतन से बहुत प्यार है, मैं बहुत प्यार करता हूं अपने वतन से। दोस्तों, आगे मैं बहुत सारी बातें रखने वाला हूं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको लव जिहाद पर वो बात बताने वाला हूं जो ये आपको नहीं बता सकती। जी हाँ, हर धर्म के लोगों को मेरा ये वीडियो देखना चाहिए, आप चाहे किसी भी धर्म की हो, बहन बेटी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी भी बहन बेटियां हैं, आपका मैं छोटा भाई समझो, चाहे अपना बेटा समझ लो, लेकिन ये वीडियो देखना, आपसे मेरा रिश्ता है, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ और आपका बेटे जैसा हूँ मैं, तो ये वीडियो जरूर देखना आप लोग। आपको मैं बहुत पते की बात बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। ये औरत आपको नहीं बताएगी, क्योंकि ये आतंकवादी सोच की औरत है। इसने खुद 8 साल जेल में निकाला है, बेशक इसके ऊपर आतंकवाद का मामला चला, बम ब्लास्ट में इसका नाम आया था, मालेगांव बम ब्लास्ट में। तो बेशक इसकी विचारधारा जो है वो, मतलब समझ गए ना आप लोग ये किस तरह की औरत है। तो दोस्तों, लव जिहाद होता क्या है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। इनके हिसाब से अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करे तो इनकी नजर में ये लव जिहाद होता है। अब देखिए, कई सारे ऐसे केसेस है, कहीं पर ऐसा भी है कि मुसलमान लड़कियां, आपने सुना होगा कई बुरखे वाली लड़कियां जो है वो नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ घूमती नजर आती है। देखिए, मैंने कभी इस टाइप के वीडियो नहीं बनाए, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से,
कई मुसलमान लड़कियां हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करती है, तो मैं इसको क्या नाम दूं? दोस्तों सिंपल सी बात है, ये इनका अपना एक पर्सनल लाइफ है, इनका अपना एक जिंदगी है, और मान लीजिए अगर इसमें कोई क्राइम हो जाता है, इसमें कोई क्रिमिनल अगर ऑफेंस नजर आता है, तो बेशक उसके लिए हमारा लॉ बैठा है, उसके लिए हमारा सिस्टम बैठा हुआ है कि वो इस पर अपना जवाब देंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ये हमारे लॉ सिस्टम के हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लॉ सिस्टम भी अब ऐसे लोगों के सामने कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि घुटने टेकते नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बोलने में बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब ऐसे लोग, बताइए जिनका बम ब्लास्ट में नाम आया, ऐसे लोग जब 8 साल जेल में रहे, सीधा सीधा इनको आतंकवादी बोल सकते हैं बेशक, जब ऐसे लोग हमारे देशभक्त का अपमान कर सकते हैं हेमंत करकरे जी का, बताइए जब ऐसे लोग इस देश के अंदर नेता बन जाते हैं, तो ये हमारे देश की कितनी बड़ी बदनामी है, कितना बड़ा ये अफसोस का बात है कि ऐसे लोग हमारे देश के लोगों को, बताइए, ज्ञान दे रहे हैं नेता बन के, जो खुद क्रिमिनल है, जिसके ऊपर खुद चार्जेस लगे हुए हैं, बताइए। तो मोदी है तो मुमकिन है, बेशक बेशक मुमकिन है, ऐसे लोग मुमकिन है हमारे देश के अंदर। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आपको पता है इसने जो बात बोला है कि अपने घरों में हथियार रखिए, मैं आज तमाम मुसलमानों से कहना चाहूंगा, हमें हथियार रखने की कोई जरूरत नहीं है, दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह पाक का कलाम रखिए, बेशक आप हमेशा मजबूत रहेंगे, हथियार रखने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे हुजूर, हमारे प्यारे नबी ने पूरी जिंदगी हमारे लिए संघर्ष किया, आज मुसलमान पूरी दुनिया में है, उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए, उन्होंने कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली मुसलमानों को धमकी दे रही है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो तुम बोल रही हो, समझ रहे हो ना, ये गोबर और पेशाब पीने वाली जो बोल रही है, मैं इससे एक बात बोलना चाहूंगा, वैसे तेरे जैसे क्रिमिनल को इस देश में नेता तो बना दिया, बेशक तू यही बात करेगी, हमारे कानून को बढ़ावा नहीं देगी, कानून से नहीं कहेगी कि सख्त से सख्त सजा दो, बताइए आज के बच्चों को, आज के लोगों को कलम उठाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है, कलम उठाइए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जैसा पढ़ाई लिखाई करिए, पूरे विश्व में नाम बनाइए। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था ना, वो हमें लड़ने के लिए नहीं दिया था, कानून को समझे, राइट्स को समझे, पढ़ाई लिखाई करे, मायने नहीं रखता कि आपने हिजाब पहना है, मायने नहीं रखता कि आपने कौन सा कपड़ा पहना है, आपका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी अब कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए इस देश के अंदर जब तक कोई सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक ऐसे लोग बोलते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। भैया आप तो ये नेता है, MP है, तो काहे की कार्रवाई होगी इस पर, है ना? तो दोस्तों ये इंडिया है, ये भारत है, यहां पर उसी की चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं चाहूं तो मां बहन की गाली दे सकता हूं, लेकिन मेरा इस्लाम, मेरा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं गाली बकू, इजाजत नहीं है इस बात की मुझे। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से बड़ा कोई माबूद नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई बादशाह नहीं, वो देने वाला है और वो सब देख रहा है, समझे? तो मैं बस इतना ही कहूंगा, हमारे देश की बहन बेटियों को, मजबूत बनिए, कलम उठाइए, पढ़िए लिखिए और सेल्फ डिफेंस में लड़िए। अगर आप तक कोई आता है तो आपको इस देश का कानून अधिकार देता है, आप कराटे सीखिए, आप वो तमाम चीजें सीखिए जो आपकी जिंदगी में काम आएगा आपको लड़ने के लिए, बाकी ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। तो लड़की जो कोई भी है ना दोस्तों, कोई भी लड़की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, बेशक उसको डर रहता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बलात्कारियों का सम्मान किया जा रहा है, तो इस देश की बहन बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो, डरेगी नहीं तो क्या करेगी? तो डरिएगा नहीं, ऐसे लोगों के सामने लाचार नहीं बनिएगा। आप चाहे किसी भी तरीके से हवस का शिकार बन जाती हो, नहीं बनी है, आपके पास भी हाथ पैर दिए ऊपर वाले ने, और बेशक इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है कि आप लड़ सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे आतंकवादियों की बातों में नहीं आइए, हमारे सिस्टम से बढ़ के, हमारे संविधान से बढ़ के इस देश में किसी की नहीं चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं हूँ सरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और देखते रहिए सच झारखंड TV।